पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत मैं अहमद कुरैशी दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं कश्मीर और भारत के हवाले से हमारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सारे प्रोग्राम्स और पीटीवी न्यूज़ भी हम कवरेज दे रहे हैं पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स सारी और मेरे कॉलिग्स और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हर जगह वो कवरेज हो रही है लेकिन जिस स्टोरी पे कवरेज नहीं हो रही थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन तफसील से नहीं हो रही वो हम जरा तफसील से आज के प्रोग्राम में करने जा रहे हैं इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर भारत के अंदर जैसे कि मेरे एक मेहमान जिनकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में एक मशहूर शख्सियत भारत की जैसे वो कह रहे हैं भारत में इस वक्त हाल अगर यही जारी रही तो खतरा है सिविल वार का और अगर सिविल वार भारत में होती है तो पड़ोसी मालिक मुतासर होंगे लेकिन शायद उसमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में से हम होंगे पाकिस्तान में और हमारे अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मजीद रेफ्यूजीज पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आए पहले हम शायद मजाक में या किसी और उसमें बात कह देते थे, थे ये इस तरह की लेकिन इस वक्त ये बात संजीदा हो चुकी है कि ये ख़तरा है कि भारत की तरफ से रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान बॉर्डर पे आ सकते हैं ये अब हकीक़त में खुदा ना खास्ता तब्दील होती दिखाई दे रही है तो इसलिए आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है आज हम फॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर भी आज पीटीवी न्यूज का यह प्रोग्राम रियासत हम ज्वाइन करते हैं इंटरनेशनल कैंपेन टू फ्री खुर्रम परवेज खुर्रम परवेज कश्मीर के कई नामवर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और एक्टिविस्ट हैं उनमें से उनमें से जो टॉप में हैं उनमें से एक खुर्रम परवेज हैं ख्रम परवेज जो हैं, वेल नोन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर फ्रॉम कश्मीर जिनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं पोस्टर्स ये हमने नहीं बनाए प्रोग्राम में ये इंटरनेशनली इस वक्त हम तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान या, या नो नो ये आलमी तौर पे ये ये कैंपेन इस वक्त शुरू हो चुकी है आप भी इसमें शामिल हो सकते हैंश टैग फ्री खुर्रम परवेज और ये बायदा कैंपेन है एक दफा फिर से आप दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब ये जो कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन के अंदर शरीक जो है ये पोस्टर मेन पोस्टर है इसका आप जो देख रहे हैं और अगर आप ट्विटर पर या फेसबुक पर जाए और सिर्फ लिखे फ्री खुर्रम परवेज तो आपको ये पूरी कैंपेन के पेजेस और जो जो लोग इसमें इसमें सिर्फ ये लोग नहीं है जो ये पोस्टर्स में इसमें जो वेस्ट के अंदर प्रोमिनंट हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो सारे इस कैंपेन में शामिल हो चुके हैं आपने शायद प्रोड्यूसर साहब वो दिखाई नहीं अगर बाद में बीच में बात करते हुए वो दिखाई हाँ ये ट्वीट जो है ये ट्वीट जो देख रहे हैं आप ये रॉजर वाटर्स ये एक पॉप सिंगर हैं बर्तानिया के ये शामिल हो गए हैं और कैसे शामिल हुए उन्होंने ये लिखा है हे मोदी लीव खुर्रम अलोन ये एक एक्चुअली एक बहुत मशहूर इंग्लिश गाना है हे टीचर लीव द किड्स अलोन और ये उसके ऊपर उन्होंने प्ले किया है हे मोदी लीव खुर्रम अलोन तो ये इस वक्त पॉप कल्चर जो पॉपुलर कल्चर है वेस्ट के अंदर अमेरिका में नॉर्थ अफ्रीका और ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अरुंधति रॉय जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और राइटर भी हैं वो भी इसमें शामिल हो चुकी हैं आगे साथ साथ ये ट्वीट्स चल रही हैं आपको हम दिखाते रहेंगे जो और इंटरनेशनल फिगर्स जो हैं जो इस कैंपेन में ये बी मूवमेंट है जो एक्चुअली फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से है लेकिन वो भी जोम बी डी एस पैलेस्टाइन टू पिंक फ्लॉयड रॉजर वाटर्स ये सारे जो नाम हैं सब डिमांड खुर्रम परवेज इज़ रिलीज तो ये इंटरनेशनल कैंपेन है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है इसमें इंडियन सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हो चुके हैं आज हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं हम जो मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन इंडियन जो हैं जो इंडियन शहरी मसीही जो इंडियन शहरी हैं उनको भी जो अब जो तंग किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे Uh, अभी स्टार्ट uh, में जो है मेरे साथ यहाँ पे एक मरूफ uh, कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और चेयरमैन uh, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के आई आई आर शायद कश्मीर के बाहर शायद सबसे पुरानी थिंक टैंक है जो कश्मीर पे रिसर्च कर रही है पिछले 25 सालों से और ये लोकेटेड है यहाँ पर इस्लामाबाद में अल्ताफ हुसैनमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुझे और भी लोग अभी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में आगे वो मैं आज साथ, साथ जो है इंट्रोड्यूस करता रहूँगा अच्छा वानी साहब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट अभी हम डीलिमिटेशन्स पे एक और इशू है जो हम रेस करने जा रहे हैं वानी साहब वो है कि अगले जो इंतख्या भारत में होंगे उसमें तैयारी हो रही है डेमोग्राफिक चेंज की और डीलिमिटेशन की मकबूजा कश्मीर में उस पर भी बात हम करने जा रहे हैं पहले खुरम परवेज की इस कैंपेन पर और बात करते हुए फिर से प्रोड्यूसर साहब दिखा दीजिएगा वो जो सारे पोस्टर्स हैं पहले तो वानी साहब आपका रिएक्शन ये जो इंटरनेशनल फ्री खुरम परवेज़ कैंपेन शुरू होगी देखिए ये एक बड़ी इम्पॉटेंट डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए के एक चशम कुशा है कि एक शख्स को जो सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है उसको मेलाइन करना एन आई ए के ज़रिए उस पर सडिशन चार्जेस लगाना उस पर यह चार्जेस लगाना कि वो किसी भी दुनिया से मदद लेता था या हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ कोई काम करता था उसका जवाब इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ने इवन यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स मैकनिज ने बड़े भरपूर अंदाज़ में दिया है जैसे आपको मालूम है पहले ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की जो स्पेशल रिपोर्टर है मेरी लौला उसने जो पहला ट्वीट किया हुरम इज़ ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नॉट ए टेररिस्ट ये एक बड़ा एक तमाचा था हिंदुस्तान के चेहरे पर मोदी के चेहरे पर कि लुक हियर और उसके बाद अभी इस कम्पेन से पहले ये जो कम्पेन शुरू हुई फ्री खुरम कम्पेन फ्राम डिफरेंट सिविल सोसाइटी एक्टर्स जो इंटरनेशनल आई एन जी ओज़ हैं और ह्यूमन राइट्स पर काम कर रही हैं दुनिया के अंदर उन्होंने जब ये शुरू की इसमें जैसे आपने बताया कि दुनिया के मशहूर लोग जो मरूफ सिंगर्स हैं राइटर्स हैं हैंकेडमिशन हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं ऐसे लोग इस कम्पेन में शामिल हो गए वहाँ ही ह्यूमन राइट्स जो स्पेशल रिपोर्टर्स पाँच ने एक मुशतरका स्टेटमेंट जो जारी की जेनेवा में इसी खुरम परवेज की गिरफ्तारी पर खुरम परवेज इसको उन्होंने कंडेम किया और फिर जो जिस कानून के तहत यू ए पी ए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया जिसको पाबंद किया उस पर उन्होंने कंडमनेशन की ये वेग लॉ है इट कैन हिंदुस्तान इसको किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है और फिर जिन हालात में खुरम को रखा गया है उन पर उन्होंने उसको कंडेम किया और फिर हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि खुरम को फ्री किया जाए उसको फ्री ट्रायल और उसकी ऐसे की जाए तो अच्छा क्या वजह है क्या वजह वैसे एक थोड़ा सा नाजरियन को भी बताएं क्योंकि बहुत से लोग फॉलो नहीं कर रहे वानी साहब हम तो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है क्या वजह है कि वेस्ट में आमतौर पर तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तासर यह है कि वेस्ट इंटरनेशनली कोई केयर नो बडी केयर्स अबाउट कश्मीर लेकिन क्या वजह है कि हुर्रम परस पे मगरब के अंदर जो है इतनी बड़ी कैंपेन शुरू हुई देखिए दो चीज़ें इसमें एक तो पहले है की अपनी इंडिया के अंदर भी की अपनी पर्सनैलिटी खुरम इज नॉट है जो पहले भी मैं आपने आपके प्रोग्राम बताया खुरम तो सिर्फ कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है खुरम एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इन्वाल डिस का चेयरमैन है और वैन ही इज इन कस्टडी उसको दोबारा उन्होंने चेयरपर्सन इलेक्ट किया अच्छा। मनीला में जो उनका इलाज हुआ पिछले अभी, अभी पांच हफ्तों में हफ्तों में एक हफ्ता पहले, पहले अच्छा। उन्होंने खुरम को दोबारा अपना चेयरमैन इलेक्ट uh, किया ये भी एक uh, एक जोरदार तमाचा था हिंदुस्तान पर कि जिस बंदे को आप कहते हैं कि इज ए uh, या वो टेररिस्ट की मदद करता है उसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना चेयरमैन चेयरपर्सन नामजद करती है बनाती है इलेक्ट करती है अगेन इलेक्टेड वेन ही इज इन कस्टडी तो एक तो खुरम तो एशियन जो फेडरेशन अगेंस्ट इन्वाल डि उसका चेयरपर्सन है दूसरा जो खुरम का काम रहा है आ, आ, के हवाले से तो आपने उसके रिफ्लेक्शन दुनिया के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जो भी कश्मीर पर लिखता है किसी चीज पर लिखता है तो उसके रिफ्लेक्शन वहाँ नजर आती है एंड अराउंडबल पीपल नो कि खुरम इज ए करेडिबल वॉइस फ्राम कश्मीर एंड

इस तरह की जो बहुत सारी और रेफ्टो जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को परवेज इमरोज साहब को और परवीना आंगर को अवॉर्ड दिया कश्मीर के लिए उन्होंने और फुरुम पहले 2007 में ही यंग एज यंग लीडर्स का अवार्ड उसको मिला था अमेरिका की तरफ से सो ही इज़ वेल नोन एट इंटरनेशनली एंड हिस्स क्रेडिबिलिटी स्पीक्स और वो क्रेडिबिलिटी इस वक्त रिफ्लेक्ट होती है जो हमने कम से कम मैंने कोई आ, दुनिया भर के जितने भी अखबार हैं मेरे पास लगभग डेढ़ सौ से ज़्यादा अखबार में खुरम की गिरफ्तारी पर ओपिनियन पीसेस लिखे एक तो उन्हें खबर नहीं ओपिनियन पीसेज लिखे गए हैं एडिटोरियल एडिटोरियल लिखे गए हैं हु इस खुरम और खुरम क्या करता रहा है, और खुरम की सारी जिंदगी के बारे में लोगों ने लिखा है और हिंदुस्तान की हुकूमत को इस पर कंडेम किया है इस एक्ट पर सो so, खुरम आप, हाँ, है, है। है। सिफारिश नहीं चलती है सोमी दैट इज वाई इन इट इसी तरह इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट उन्होंने इस पर अपना एक मौकफ दिया है और खुरुम की गिरफ्तारी को कंडेम किया है सो एवरी yeah. जो, जो आप कहते हैं यूरोप में देखिए अगर हमारे लोगों का मसला यह है कि हम पढ़ते नहीं है चीज़ों को वैन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स हाँ हमें वेस्ट से दुनिया से शिकायत है पोलिटिकल इशू पर बात न करने का पोलिटिकल इशू पर लोग बात नहीं करते हैं दे कीप साइलेंट ऑन दैट बट वैन इट कम्स टू ह्यूमन राइट इशूज आई टेल यू दे द वे द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एन जी ओज हैज डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स ऑन कश्मीर दे आर वर्थ सिंग कि उनमें इतनी इंफॉर्मेशन है और इस तरह से उनने किया क्योंकि उनको ऑन ग्राउंड तो प्रेजेंस नहीं है लेकिन इवन धैन दे मेड इट सो वी शुड बी थैंकफुल टू द इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दे आर ऑन इट वो इसको कंडेम करती हैं, लेकिन हमने अपने आप को क्रेडिबल इस तरह बनाना है, जिस तरह खुर्म की अच्छा, प्रोग्राम में कश्मीर खालिस्तान है यूरोप के अंदर और आपको मैं दिखाने जा रहा हूं अग, दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के कि किस तरीके से अमरीकी हुकूमत और बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट की जो कर रहे हैं रेफरेंडम मगरब में यह दहशतगर्द है वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा वहीं वेरी क्विकली मैं अगली डिल उससे पहले जो है, मुझे बता दें कि हमारे यहां हम पाकिस्तान जो है नो डल मूवमेंट इन पाकिस्तान बड़ी चीजें हैं बहुत कुछ हो रहा है, और सब इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ साथ ये जो डेवलपमेंट हो रही है अनफॉर्चुनेटली हम, हमारे यहां इवन इंडियन सिविल सोसाइटी और उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इंडियन ह्यूमन राइट्स आ, एक्टिविस्ट हैं जो खुर्रम परवेज के साथ खड़े हुए हैं अपनी मुल्क की हुकूमत के खिलाफ आ, लेकिन हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी खामोश देखिए देख हमारे यहाँ बेसिकली सिविल सोसाइटी आज कल जो तकसीम सोसाइटी हुई है ना मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो चल रही है लेकिन इवन आई विल से कि मैं देख रहा था कि हमारी सिविल सोसाइटी जो हमारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं जो लोग हैं उन्होंने इस पर ट्वीट भी किए हैं इस कम्पेन को ज्वाइन भी किया है पाकिस्तान के अंदर लोगों ने ज्वाइन किया है अनकंसर्न नहीं रहे लोगों ने अपना कंसर्न शो किया है इस पर लेकिन चूँकि हमारे सेमिनार इवेंट्स, इवेंट्स हुए हैं सारी चीज़ें हुई हैं नहीं इस ट्विटर कम्पेन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी और कश्मीरी जो दुनिया भर में है उन्होंने इस कम्पेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दुनिया की पार्लियामेंट्स के सामने दुनिया की जो हिंदुस्तान की जहां जहां बेसिस है वहां पर आपने देखा होगा वहां पर उन्होंने अपने अच्छा वहीं मैं आपको इंटरप्ट करूं क्योंकि टाइम जो है कम है मैं दो चीज़ें और आपको डिस्कस करनी है एक डिलिमिटेशन पे आते हैं प्रोड्यूसर साहब वो डिलिमिटेशन की एक खबर है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और उस पर अच्छा ये बहुत अहम है नाजरीन में आपको ये डिलिमिटेशन जो कश्मीर में होने जा रहा है वो क्यों अहम है वो अहम इसलिए है कि ये बाकायदा जो जम्मू और कश्मीर वादी कश्मीर है उसमें जो सीट्स हैं वो बराबर करने की कोशिश की जा रही है ताकि नेक्स्ट स्टेप जो है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 2001 में एक्चुअली इंडिया में बैन किया गया था कि 2026 तक डिलिमिटेशन इंडिया में नहीं होंगी लेकिन उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो जम्मू और कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करवाने जा रही है और ये इसका मकसद ऑब्वियसली जो है वो रास्ता ग्राउंड सिचुएशन हमवार करना है वो डेमोग्राफिक तब्दीली के लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है हम ये नाजीन और ये वानी साहब ये वही सिचुएशन है जो कि हम आर्टिकल 370 से पहले लोग कह रहे थे कि ये होने जा रहा है हमने तोज्जो नहीं दी और ये हो गया अब ये भी होने जा रहा है ये वक्त है कि हम इस पर अब शोर मचाएँ क्या कहेंगे देखिए ये जिसकी बुनियाद उन्हें पाँच अगस्त 2019 में रखी जिस चीज़ की जो आर्टिकल 370 सेवेंटी या थर्टी फाइव ए रिवो करके असल मकसद हदफ यहाँ तक पहुँचना था जो हदफ था वो यहाँ तक पहुँचना था कि ताकि तमाम तर जो रियासत के अवा है मकबूजा कश्मीर के अवाम और ख़ासकर मुसलमान उनको फ्राम इसमें हाँ, हाँ। तो तो इस ऐसा है कि देखें पहले तो जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी एक लॉ पास किया था अपने की दो हजार छब्बीस तक नहीं होगी फिर मकबूज़ा कश्मीर की सोकॉल्ड असम्बली ने भी कहा था दो हजार छब्बीस तक ये नहीं होगी डिलिमिटेशन नहीं होगी लेकिन जो जम्मू के बीजेपी के लोग थे ये जो हिंदू इंतहा पसंद थे उनकी हमेशा से ये डिमांड रही थी कि जम्मू की सीटें बढ़ाई जाए नाउ दे था इट इज़ द प्रॉपर अपॉर्चुन टाइम कि मरकज़ में उनकी हुकूमत है सारी ब्योक्रेसी उनके साथ हैं सारे कोई रिकावट नहीं, नहीं है कोई रिकावट नहीं, नहीं, नहीं है तो उनने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया और उसको बताया आप रिपोर्ट दे दें ये कर दें अब इस कमीशन की जो पहली रिपोर्ट आई जो अभी तक ऑन सरफेस आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम आ, एक तो जम्मू की सात सीटें बढ़ाते हैं और वैली की एक सीट बढ़ाते हैं और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी जो पहले सात सीटें थी उनको सोलह किया उसमें नाव बढ़ाई ये इतना नहीं है कि जम्मू की सात उनने बढ़ाई देखिए इसमें टेक्निकल जो चीज़ है जम्मू की सात सीटें बढ़ाना अपनी जगह यानी इस जम्मू की थर्टी सेवन थी आप सात उसमें ऐड करें तो आप फोर्टी फोर पर पहुंचे वहां पर आपने पहुंचा दी जो मकबूजा वादी थी वहां की फोर्टी सिक्स थी आपने एक एक, 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 एक कर दी आँगे। आँगे। लेकिन टेक्निकली उन्होंने दूसरी चीज की उन्होंने सोलह सीटें जो हैं वो रिजर्व की रिजर्व सीटें ज्यादातर जम्मू में थी पहले पहले जम्मू में थी सारे रिजर्व सीटें नाउ दे विल रिजर्व सम ऑफ द सीट्स इन द कश्मीर वैली इसके अलावा कश्मीर वैली में रिजर्व करेंगे यानी ऑटोमेटिक रिजर्व सीट जो होती है उस पर वही कम्युनिटी इलेक्शन लड़ सकती है अगर वहां पर आबादी किसी और कम्युनिटी कितनी भी ज्यादा हो लेकिन, लेकिन अगर वो शेड्यूल ट्राइब है शेड्यूल कास्ट है तो वही कम्युनिटी वहां इलेक्शन लड़ सकती है सो एनी माइनॉरिटी मेंबर कैन बिकम एन एम फ्रॉम एनी सो इसका मकसद बुनियादी मकसद ये है कि एक तो मैं इसको समझता हूं कि डोगरा राज की वापसी कश्मीर के अंदर जो 47 में डोगरा डोगरा राज राज खत्म हुआ राज की वापसी इन वन वे वे ऑन द अदर ये है कि कश्मीर के, के मुसलमानों की जो ऑलरेडी ऑलरेडीवरमेंट हुई है कश्मीर के अंदर बिफोर दिस जो पांच अगस्त के बाद से लगातार एक इरोजन हुआ है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का वहां के आईन उसको उसको लीगल लीगल अप कवर दे। उसको लीगल अप कवर करना और ये देखिए इस वक्त भी कश्मीर के अंदर कोई भी हाई ऑफिसर आपको कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा ऑल ऑफ देम फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा बार 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 के मशीर हैं, वो भी बाहर के हैं सो टोटली so, totally, जो कश्मीर का मुसलमान है वो डिसम्पावर हो जाएगा। अच्छा कोई कोई रोक सकता है इस वक्त इंडिया के अंदर से कोई रोक सकता है इस चीज को बेसिकली तो लीगली।, लीगली क्या के लीगली तो दफा 370 और 35 ए का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस वक्त से पड़ा है जब तक तो वो नहीं सुन रहे हैं जो चीज उन्हें नहीं सुननी है वो नहीं सुननी है तो अब इस डिलिमिटेशन पर भी ये है कि लोग कहते हैं हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में लेकिन ऑलरेडी कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की गई है कि इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते दिस इज सेकेंड थिंग सो इन हैंड एंड ग्लो मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान की अदलिया हिंदुस्तान की अब हमारे तो पास ऑप्शन जो है इसलिए आज हम पी टी वी पर पाकिस्तान में हम बैठ के इस्लामाबाद में जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर से अब इसको रोका नहीं जा सकता अगर रोकने का कोई तरीका है तो वो इंटरनेशनल प्रेशर है और उसमें हमारा किरदार बहुत ज़रूरी है और हमारे किरदार में हुकूमत कर रही है बहुत कुछ कर रही है लेकिन हमें जिस तरीके से इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज ऐसे करना है वो अभी तक उसमें बहुत ही चीज़ें हैं जो रहती है। अभी रहती हैं अभी टाइम इसमें नहीं इस कुछ इस पर कुछ कहना आप देखिए दो चीज़ें एक तो हुकूमत को भी मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत कुछ करती होगी कर रही होगी हो लेकिन हुकूमत ने एक चीज़ जो करनी है इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस पर डिप्लोमेसी होनी चाहिए इस किस्म की सिविल डिप्लोमेसी होनी चाहिए और दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि वी आर अबाउट इट इस पर हमारा कंसर्न है बोलना पड़े ये नहीं है कैसे ही इस पर हमें बोलना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी का बाकी लोगों का किरदार है, है, वो भी आगे अच्छा आना मेरा वक्त बिल्कुल खत्म है वेरी क्विकली जस्ट एक मिनट के अंदर मैं आपको जो हैदरपुरा वाक हुआ था श्रीनगर में आप में से जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता बेसिकली इंडियन जो काबिज फौज है कश्मीर में वो एक बिल्डिंग में घुसे थे और वहाँ पे उन्होंने जो है शहीद किया चार लोगों को कश्मीरियों को और वो बिज़नस थे वहाँ पे और दूसरे लोग थे और कहा कि यहाँ पे दहशत हैं और तो उस पर तहकीकत हुई हैं कमीशन है और ये दिखाएँ प्रोड्यूसर साहब जो स्क्रीन पे जो हमने हमारे पास हमारी वजारत ख़ारजा ने ये नहीं है हमारी वजारत ख़ारजा ने मोफा ने और हैदरपूरा के ऊपर जो प्रोटेस्ट किया है बिल्कुल ये पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली कंडेम्स एक्स्ट्रा किलिंग्स खैर ये तो अभी भी जारी हैं ये तो सिक्स और कश्मीरी शहीद किए गए अच्छा ये और और वो भी दिखाएं जो अभी आप दिखा रहे थे क्लिप इंडियन पुलिस ऑफिसर का बेसिकली ये कोई कमीशन थी वानी साहब देखिए इस पर मांग हुई थी फ्रॉम द फ्राम फैमिलीज और वहाँ की पोलिटिकल पार्टीज ने सब ने मांग की थी जुडिशियल वानी साहब इसमें यह दिखा दूँ कि ये नाजीन जो इस वक्त देख रहे हैं ये इंडियन वो जो पुलिस ऑफिसर है इसको खतवार ठहराया जाना था कि इसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है उस बिल्डिंग में श्रीनगर में चार लोगों को जाके कत्ल किया और कहा कि दहशत गर्द और हिमायत करें दहशत गर्दों की और ये इन्वेस्टिगेशन है है और इसको बरी कर दिया गया नहीं इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बता दिया कि एक जो अल्ताफ था या जो डॉक्टर गुल था उनको एज टेररिस्ट एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया

तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या जो जो स्टेट के जो मकबूजा रियासत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक ये एस आई टी बनाई थी कि ये करेंगे इसका सारा तो इसका हमें मालूम है कि माजी में भी ऐसी तमाम जो कमीशन जो ऐसे तमाम रिपोर्ट्स हैं उनका यही हाल हुआ नन ऑफ द इंडियन वॉज ब्रॉट टू जस्टिस जस्ट और अभी हमें पता था आज भी ये नहीं होगा ये एक आवास होगा बिल्कुल सही है और ये बहुत अहम पॉइंट है एक फायदा ज़रूर हुआ है यानी फ़ायदा क्या यानी उस तरह तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक ज़रूर पॉजिटिव चीज़ जो निकली है इस वाक़े से वो ये थी कि जब प्रोटेस्ट हुआ था तो कई सालों से जो काबज़ फ़ौज है इंडियन कश्मीर में वो शहीद करके जो बॉडीज़ हैं वो वापस नहीं करती थी फैमिलीज़ को और पहली दफ़ा पहली दफ़ा दो हज़ार पाँच पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस के बाद ये पहला वाक़ा हुआ जब उन्होंने डेड बॉडीज़ वापस दी थी हुँ. उस पब्लिक प्रेशर के तहत तो और उसी पब्लिक प्रेशर के तहत भी ये एक इंक्वायरी उन्होंने की थी लेकिन आज भी मैं सो कॉल्ड जो वहाँ पर मेयर भी है कश्मीर का और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो इसको टोटली तो वहाँ पर रिजेक्ट किया इस सारी चीज़ को लेकिन जो मेयर उनका इंस्टॉल किया हुआ मेयर है श्रीनगर का उसने भी कहा आई टोटली एंड कम्प्लीटली रिजेक्ट दिस रिपोर्ट ऑफ दिस ये आज की खबर है ये आज की खबर है, है। आई रिजेक्टेड सो so, उनके अपने लोग भी लो कहते भी हैं यार इतना तूफान क्या और हालांकि मेयर जो है वो क्लोज वो है, क्लोज है। हाँ, ये कहते हैं इतना तूफान क्या हमारी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ और इसको आप ऐसा ट्विस्ट दे रहे हैं कि हाँ, बंदे आप ले रहे हैं अंदर बंदों को अल्ताफ को डॉक्टर गुल को आपने चार दफा तीन दफा अंदर लिया और चौथी दफा उनको आ, उनकी वो वापस नहीं आए तो आप कहते हैं कि टेररिस्ट मेड देम ह्यूमन शील्ड वॉज दियर फायर अनटिल दैट जब आप चार दफा वहां थे इस बिल्डिंग से उनको ले रहे थे वहां पर कोई फायर वहां हुआ था सो ये सारी चीजें नहीं।, नहीं है इंडियन नहीं। इन्वेस्टिगेशन को, सकते। सकते। को या उस फेस वैल्यू को आप जो भी उन्होंने किया आज तक वो किसी जगह भी किसी एक जगह अगर उन्होंने किसी कसूरवार को सजा दी होती किसी एक को बनाया होता इसका तो ऐसा होता नहीं ऐसे ही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक इंटरनेशनल क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिस तरह से यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था उस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो तमाम चीजों की तब मैं मैं बस थोड़ा सा जल्दी में इसलिए हूं कि मेरा वक्त बिल्कुल खत्म है सेगमेंट का और ये टॉपिक सारी अहम है लेकिन मैं सोच रहा था कि इस वक्त हमें नाजरीन को क्विक क्विक जो है जरूर अपडेट करना चाहिए और एक आखिरी अपडेट जो है मैं देना आपको भी चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ वैसे कश्मीर पे रिसर्च का काम हमने पाकिस्तान में हमने बड़ा कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानी भी दी है कश्मीरीों के साथ रहे हैं सबसे बड़ी कुर्बानी कश्मीरियों की है फिर हमारी पाकिस्तान में है साथ खड़े रहे हैं लेकिन हमने जो कोताही जो हमारी है, वो है कि हमारा किताबें लिखना रिसर्च का काम कश्मीर पर कम रहा है तो इसलिए मैं आज ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अभी कश्मीर पर लेटेस्ट एक किताब पब्लिश हुई है पाकिस्तान में और ये स्क्रीन पर आप प्रोड्यूसर रिजर्स दिखाएँ ये है कश्मीर तारीख तहरीक और आ, हल के अम्कान का जायज़ा और ये यहाँ कराची में पब्लिश हुई है अभी पिछले दिनों के अंदर और इसके मुसन्फ़ जो हैं वह हैं फ़ारूक़ आजम आफरीदी साहब और फारूक आजम आफरीदी साहब ने बाकायदा इस किताब को पब्लिश किया और बड़ी रिसर्च और बड़ा दो तीन साल इस किताब पे उन्होंने लगाए हैं और वेरी क्विकली मेरे साथ वो अभी टेलीफोन पे हैं कराची से वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका आपने ज्वाइन किया मेरे पास वक्त बहुत शॉर्ट है वेरी क्विकली ये किताब जो है आपने जो लिखी है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब दरअसल इस किताब के लिए मुझे दो साल मेहनत करनी पड़ी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी कौम मतले कश्मीर से जज्बाती वी जरूर रखती है लेकिन शोरी वाबस्तगी हमें खाल-खाल नजर आती है क्योंकि यहाँ आधे ट्रेशर की कमी है जब यह मसला क्रिएट हुआ यानी 1947 में उस वक्त या उसके बाद उस वक्त जो हालात थे शायद थे उस पर बहुत कुछ निकल गया और उसकी उन्नीस सौ नब्बे के अशरे में जब ये तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने उर्ज पर थी

तो शर की कमी की वजह से और तमाम तरत हाल फूज के मुख्तलि जो दाविए बनते हैं पहलू बनते हैं तो इसकी कमी की वजह से मुझे इसके लिए आज़ाद कश्मीर तक जाना पड़ा और मुख्तलिफ पहलू को मुख्तलिफ दावियों को देखते हुए दो साल की मेहनत के बाद ये किताब इस सूरत में सामने आई है जब किसी तमाम तर प्रोसीजर उसका पूरा हुआ उसके बाद फिर मैंने इसको किताब भी सुन बिल्कुल ठीक है अच्छा साहब मुझे मुझे एक चीज बताएं कि ये आ, किताब जो है आप तो आपको भी ये मसला हुआ था कि जब आप रिसर्च कर रहे थे आपको पाकिस्तान में कश्मीर पे किताबें जो हैं वो बहुत कम थी और आप रिसर्च नहीं कर पाए ऐसा कुछ था जी बिल्कुल जब टॉपिक मैंने शुरू में लिया मेरे जहन में यही था कि चूंकि कश्मीर एक हार्ट टॉपिक है एक हार्ट इशू है तो हमें इस पर बहुत कुछ मवाद हमें आसानी के साथ मिलेगा लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो मैं काफी परेशान हुआ क्योंकि मुझे खासतौर पर इन दिनों जो कुछ हालात पेश आए हैं 2019 के बाद तो इस पर किताबी सूरत में मुझे कुछ नहीं मिला आफरीदी साहब फिर आपसे इनशाला हम इस पे तस्वीर पे किताब पे बात करेंगे लेकिन प्रोड्यूसर साहब आपने स्क्रीन पे देना था इनकी किताब का नाम तो आप पोस्टर उस पर तो नहीं आया लेकिन आप पोस्टर एक दफा फिर दिखा दें मैं नाजी को दिखाना चाह रहा हूँ पोस्टर एक दफा किताब का दिखाएं ये कश्मीर बिल्कुल कश्मीर तारीख तहरीक और इम्कानी हल का जायजा और ये किताब जो है अभी पब्लिश हुई है मार्केट में मौजूद है इसको जरूर देखिएगा तहरीक के ऊपर है बहुत शुक्रिया आपका फर्रुख आज़म आफरीदी साहब हमारे साथ थे और अलतावारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ब्रेक बस पे ले रहे हैं। रहे हैं अच्छा हैं कुछ कहना चाह साहब जल्दी सात के लिए सात सीटें, सीटें।, अच्छा जो, जो सीटें, सीटें, सीटें। अपडेट कर लेंगे ये टिकर अब इसको भी करेक्ट कर लेंगे बहुत शुक्रिया अल्ताफानी साहब आपका चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन के ये पाकिस्तान का हो सकता है खत्ते का सबसे कदीम थिंक टैंक है जो स्ट्रेटिजिक रिसर्च कर रहा है uh, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट पच्चीस साल पुराना और इस्लामाबाद uh, बेस्ड है वक़ा लेते हैं हम वापस आएंगे और हमने जो सिख रेफरेंडम हुआ है और अब जो इंडियन क्रिश्चियंस के साथ इंडिया में हो रहा है उस पर नज़र डालने जा रहे हैं हम बहुत इंटरेस्टिंग तफसीली गुफगू कर रहे हैं और हमारे साथ एक खालिस्तान जो रेफरेंडम मूवमेंट है यूरोप के अंदर उसके जो लीडर हैं जो uh, उनकी जो लीड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ होंगे तो आपने भी हमारे साथ होने वक्फ़ के बाद मिलते हैं बहुत शुक्रिया उन्नी सर थैंक यू सर वेलकम बैक आप देख रहे हैं रियासत बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त फिर से एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही है अभी वो भारत एक तरफ और अमेरिका और बरतानिया और कुछ और मगरबी ममालिक दरमियान एक पॉलिटिकल क्राइसिस छोटी सी शुरू छोटी नहीं है वो बहुत बड़ी है लेकिन वो मीडिया में नहीं आ रही ना इंडियन गवर्नमेंट लेकर आ रही है और वो हम आज के प्रोग्राम में उसको हाईलाइट कर रहे हैं और वो क्या है वो ये है कि पिछले हफ्तों के अंदर तारीख़ी खालिस्तान रेफरेंडम हुआ है पहले शुरू हुआ आगाज उसका बरतानिया में और स्विट्ज़रलैंड में फिर हुआ है और कनाडा और अमेरिका वो होने जा रहा है ये कुछ आप उसके जो पिछले हफ्तों में हुआ है उसके ये मनाजर आप देख रहे हैं ये तारीख़ी इसलिए था कि इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट और ऑब्जेक्शन के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने ऑफिशियली इसको इंडोर्स किया इंडोर्स से मुराद य है कि उनको परमिशन दी जो ब्रिटिश सिख ग्रुप्स हैं और ये बकायदा जो ऑफिशियल सरकारी कन्वेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये वोटिंग हुई बकायदा खालिस्तान मूवमेंट और उसको ब्रिटिश पुलिस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की अब जो क्राइसिस हो रही है वो ये है कि अमरीका में अब होने जा रहा है ये रेफरेंडम की तैयारी हो रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने पोजीसर साहब अगर आप वो दिखाएँ आ जाएँ ज़रा उसके ऊपर जो यू रिक्वेस्ट है उसके ऊपर आ जाए कि अमरीकी गवर्नमेंट को ये नहीं दूसरा वाला दिखाएं हाँ बिल्कुल यही है यही है ये, बिल्कुल यही है इसको दिखाएं जरा स्क्रीन पे यूएस गवर्नमेंट से बरतानिया ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसको नहीं होने दें रेफरेंडम क्योंकि ये दहशत गर्द है और अमरीकी गवर्नमेंट ने जो है रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि ये तमाम जो खालिस्तान तहरीक है ये सब पीसफुल लोग हैं कोई भी इनमें मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है अच्छा यही चीज बरतानिया में हुई है अगला भी दिखा दें ब्रिटिश साहब बरतानिया के अंदर भी जो है इंडियन uh, गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि ये uh, दहशत गर्दी करने जा रहे हैं जो सिख ग्रुप्स हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं अभी ज़रा जो क्रिश्चियंस हैं और क्रिसमस पे जो हुआ है इंडिया में उस पर भी हम अभी बात करने जा रहे हैं तो मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल्ला शाह साहब हैं जो कि एक्सपर्ट हैं गुरमुखी ज़ुबान में और जो मज़हबी किताबें हैं सिखों की उस पर एक्सपर्टीज़ रखते हैं आप गुरमुखी मेरे ख्याल में उर्दू से ज़्यादा अच्छी बोलते हैं तो ये बहुत ज़... आपकी एसेट है और हमारे साथ जो हैं साथ साहब हमारे साथ जो हैं परमजीत सिंह बमा साहब भी हैं जो कि हमें इस वक्त वीडियो पे ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल मैं आपको देख सकता हूं बहुत शुक्रिया आप अमर साहब आपने हमें ज्वाइन किया तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रहा हूं अपडेट लेने से पहले कि ये क्या हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी और रिपोर्ट कोई पेश की थी इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका को कि ये सिख अमेरिकन सिख ग्रुप्स जो हैं और प्रो खालिस्तान जो ग्रुप्स हैं ये दहशत गर्दी में मुलवस हैं ਔਰ 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 ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਤਾਇਆ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਟ ਆਫ 올 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਬਲੀਵਰਸ ਹਾਂ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ دہشتਗਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਨਨ ਵਸਤੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਲੋ-ਓਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਉਲਟਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰ ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਏਸੀ ਇਹ ਦਸਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ دہشتਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ دہشت ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ دہشت گردੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ पर अमेरिका ने डी पंकुस्तान साजिश कर बिल्कुल। तो तो पे कि ये दूसरा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए पहले वो आपकी जो रेफरेंडम थी उसकी रिक्वेस्ट की रोकने की वो नहीं रुकवा सके यूके उनको अबलाइज नहीं किया और अब जो है जब दहशतगर्द आपको बनाने की कोशिश की तो वो भी अब रिजेक्ट हो रहा है तो ये तो बड़ा सेटबैक हो रहा है इस वक्त जो है इंडियन गवर्नमेंट को दे देखो मैं थेक वाले कहनी चाहूंगा थानू कि लेट दम स्टे इन द लाइन लेट दम स्टैंड इन द लाइन दे, दे विल गेट मेनी सेटबैक्स बहुत चीजें जेड़ियां हैं assi bilkul international kanun nu ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਤਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆ बर्दाश्त कर देना साहब मेरा थोड़ा सा वक्त का इशू है मैं आपसे एक सवाल और जरूरी करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब यूके और स्विटरलैंड के बाद आपकी अमेरिका और कैनेडा में क्या तैयारी है रेफरेंडम के हवाले से प्लानिंग इसकी हो रही है किस कहाँ पे हैं आप अभी ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 31 डिसेंबर ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਬਟ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ते चारे दे 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 रह के आपका, आप हमेशा वक्त निकालते हैं और हम आपको आपसे फिर हमें फायदा होता है कि हमें ये अपडेट भी मिलती है क्योंकि आपकी तहरीक पुरअमन तहरीक है पीसफुल है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है और एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के हवाले से भी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के हवाले से भी तो आप खराज तहसीन क्या आप, आपको हम यानी कि आपकी तारीफ कर रहे हैं बेसिकली तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमजीत सिंह पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा मेरी प्लीज दिवर। दिवर। एक मिनट मेनू ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ सो so, इसी तरह अः अपना काम करा अपने देश को आजाद करवाओगे कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ऑफ खालिस्तान रेफरेंडम परमजीत सिंह पमर साहब जो हमारे साथ थे लंदन से वीडियो का बहुत शुक्रगुजार हूं। हूँ अब्दुल्ला थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहेंगे ये जो तैयारी हो रही है आ, जो इटली और फिर अमेरिका एक तो इस हवाले से यह बात बड़ी इंतहाई अहम हामिल है कि जो इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर उन्होंने कुछ दिन पहले एक नया ऐलान किया उन्होंने कहा कि जो तीन एग्रीकल्चर लॉस थे उन्हें ख़त्म नहीं किया जा रहा बल्कि उनको तरमीम के साथ दोबारा लागू कर दिया जाएगा इस वजह से सिखों के अंदर पूरे इंडिया में फार्मर्स के अंदर सिखों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है और वो बेसिकली अब जो लुधियाना के अंदर पहले कुछ दिन पहले इंसिडेंट पेश आया है जो धमाका हुआ है अब इंडियन आर्मी तो क्या था इंसिडेंट जो है ए, वो एक धमाका हुआ और एक इंसिडेंट हुआ असल में उसे जो अब रंग दिया जा रहा है वो इंतहा अहमियत का हामिल है भारतीय हुकूमत तो और भारतीय सेक्टर लुधियाना लुधियाना लुध्यान लुध्यान लुधियाना और, और, और क्या था वो धमाका बेसिकली यानी कोई गाड़ी में हुआ था क्या? बेसिकली बिल्कुल एक इंसिडेंट था लेकिन उसे जो शक्ल दी जा रही है बेसिकली एक तो उसके ऊपर तूफान बदतमीजी पैदा कर दिया गया है उसको पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और जर्मनी से ख़ालिस्तान तहरीक कोई कथित तौर पर जो मुबैना दो भाइयों का जिक्र किया जा रहा है सिखों का और उस वाक्य की आड़ लेके खाली खालिस्तान मूवमेंट को नहीं बल्कि पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है ये हो रहा है और इसके साथ साथ दूसरे जो अकलीतों के ख़िलाफ़ भी उनके मजालम जिस तरह शुरू में आपने बात की मैं भी उस पर आना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला ये तो हमने अभी सिको पे कर दिया है मैं आपको वेरी क्विकली भी बस नाजरन को भी दिखाना चाह रहा हूँ ये चल भी रही हैं सब सब देख रहे हैं लेकिन वेरी क्विकली ये ओस्टेकिंग सरमनी है जो आर एस एस बी के

और फिर ये, ये एक और एक और चीज अब्दुल्ला वेरी क्विकली क्रिसमस और ईद के हवाले से इसी कोई और तरीके से कहा है कि हम अब क्रिसमस और ईद नहीं उन्हें देंगे ये हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा ईद नहीं मनाई जाएगी और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएंगे अपने होटल को बचाए उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है मैंने कहा तुम असंवैधानिक इसलिए हमने तुम्हारा विरोध किया तुम हरिद्वार कि में क्रिसमस नहीं बनाया जाए और अब्दुल्ला आपके मैं कमेंट लेने से पहले एक और चीज दिखा दूं ये अभी रिसेंटली इसी हफ्ते का इंटरव्यू है जो कि इंडिया के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं करण थापर उन्होंने नसरुद्दीन शाह जो कि इंडियन फेमस एक्टर हैं उनका लिया जिस पे नसरुद्दीन शाह ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल चलती रही तो हम सिविल वार देख रहे हैं इंडिया में ये चलाएं प्रोड्यूसर साहब तो। they say films reflect society or society reflect films i don't know but certainly what's happening in the film world is reflecting what is happening in the country and um, this attempt this is an attempt to spread a phobia among the muslims uh, when you have senior leaders openly saying hindus and muslims cannot live together uh,

हिंदू ने एक्स्ट्रीमिस्ट हैं उनका क्लेम है इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर और अम्बाला में और पटोरी के अंदर ईसाई कुछ वाक्यात पेश आ रहे हैं मतलब एक एश, ए, एंटी क्रिश्चियन एनवायरनमेंट बना हुआ है और ईसाइयों की इबादत गाहों पर लगातार हमले किए हमारे पास तस्वीरें भी हैं प्रोड्यूसर दिखा सकते हैं वो जो ये ये देखें बिल्कुल और और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है अच्छा चंद घंटे पहले की मैं आपको इंतहाई अहम पेशरफ बताऊँ इंडिया बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है साध्वी परगिया ठाकर वो माली गांव बम धमाकों की जिसके अंदर मुसलमान मारे गए थे और बहुत बड़ी साजिश थी उसके मरकजी मुलजम थी माली गांव बम धमाका केस के तमाम मुलजमान को चंद घंटे पहले रिहा कर दिया गया अच्छा। क्लीन चिट दे दी गई ये अभी आज की जी आज चंद घंटे पहले की खबर है और उसके अंदर जो मोटरसाइकिल यूज हुआ था वो साधवी जिसके अंदर बम लगा हुआ था वो साध्वी परगिया ठाकर जो भोपाल से लोकसभा की रुकन है उनके नाम पर रजिस्टर्ड है अच्छा हाँ ये अनाउंस होगी ये अनाउंस हो चुकी बड़ी ठीक ठाक है वर, तो। गया। अच्छा। और इसके साथ साथ क्यों है? पहले ये जो नया साल शुरू हो रहा है इसके पहले हफ़्ते के अंदर जो इंडियन स्टेट्स उत्तर प्रदेश पंजाब दीगर जगहों पे पांच स्टेट्स के अंदर इंतखा होने जा रहे हैं उनका शेड्यूल नाफ़ज होगा ठीक है इसके साथ साथ फ़ौर जो उनका आसान तरीका एक मिला हुआ है बीजेपी को आर को कि जब भी कोई इतखा नज़दीक आते हैं तो वो मुस्लिम बैशिंग माइनॉरटीज़ बैशिंग और ख़ास तो पर पाकिस्तान बैशिंग एक कम्पेंस शुरू कर देते हैं ताकि तमाम जो लोग हैं उनका ध्यान असल इशू से हटाया जा सके ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को खलस्तान मूवमेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है ईसाइयों के खिलाफ वाकत पेश हो गए मुसलमानों के खिलाफ जो एक वाक्य था उसका वर्डिक किया आया है ये सारा उसकी कड़ियों के तौर पर तो ये तैयारी हो रही है इलेक्शन इलेक्शन की तैयारी और बहुत अहम नुकता है किसी भी हद से नहीं जा सकते वो चाहे वो एक पहले सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर चुके हैं पलवामा का कर चुके हैं जो अभी मैंने बताया एक और उन्होंने किया इंडियन पंजाब के अंदर इस तर्ज पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अब्दुला शाह साहब जो है यहाँ पे बहुत अहम बात कर गए इन्होंने बेसिकली और ये हमारे लिए हमें पाकिस्तान में इस पर नज़र रखनी है क्योंकि ये जो वाक़त अभी हो रहे हैं जैसे शाह ने कहा है ये तैयारी हो रही है इंतखबा की इसका मतलब ये कि और भी कुछ हो सकता है और इस पर हम नज़र रखेंगे ये बेसिकली जो मैं कहता हूँ मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये मोदी टेर्रज़म इंडियन टेर्रज़म सब पूरी इंडियन कौब को तो मैं नहीं उसमें डालना चाह रहा लेकिन मोदी टेररिज्म जो है वो अरूज पे इस वक्त है और ये तैयारी हो रही है इंतबात की इसमें हमें भी जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी अबुल साहब मेरा वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म है आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली आ, मैं एक दो जिस तरह आपने ये वाली कॉन्फ्रेंस की बताई है इसके साथ धर्म संसद हुई है रिलीजियस पार्लीमेंट छत्तीसगढ़ जहाँ पे नक्सल तहरीक जोरों पर है बाकी सूबों में भी है उसके कैपिटल रायपुर के अंदर हुई है जिसके अंदर इंतहाई मजीका खेज वो वहां पे जो उनके लीडर थे इस रिलीजियस पार्लियामेंट के इजलास के कालीचरण महाराज उन्होंने नाथूराम गोडसे को खराज तहसीन पेश किया है खराज अकीदत पेश किया है महात्मा गांधी को कत्ल करने, करने के लिए हाँ और उसके साथ उन्होंने एक इंतहाई अहम बात की है उन्होंने कहा है कि जब किसी आपके जिसम के अंदर फोड़ा या फिंसी निकल आता है तो आप जब तक उसकी सर्जरी नहीं करते उसका ऑपरेशन नहीं करते तो वो कैंसर बन जाता है और अगर अगर हमने हिंदू रियासत बनाना है इंडिया को तो मुसलमानों को भी फोड़े फिंसी की तरह काट के फेंकना पड़ेगा। ये, ये मोदी टेर पे बात हो रही है ये हम अब्दुल्ला आगे भी हम करेंगे मैं बड़ा शुक्र हूँ अब्दुल्ला शाह का जो एक्सपर्ट है सिख अफेयर्स पे भी और इंडियन अकलीतों के ऊपर भी कल आपसे मुलाकात होगी मुझे इजाजत दीजिए